दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ मंदिर निर्माण पर रोक लग चुकी है। दरअसल केदारनाथ धाम नाम से बनाए गए ट्रस्ट की ओर से खुद इसका ऐलान किया गया है। बता दें कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजय ने इसे सरकार के कड़े रुख का नतीजा बताया। अजेंद्र अजय ने कहा कि दिल्ली में जो मंदिर बनाया जा रहा था उसका निर्माण रुकना सरकार की स्पष्ट नीति का ही नतीजा है। इसके आगे उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लोगों की आपत्ति के बाद धामी सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं, साथ ही उत्तराखंड के चार धाम और बड़े मंदिरों के नाम पर कहीं भी मंदिर निर्माण ना करने के लिए कानून बनाने की चर्चा हुई। इसके तहत ही बीकेटीसी अध्यक्ष ने कहा कि उत्तराखंड की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत से खिलवाड़ ना हो, ये बीजेपी सरकार की प्राथमिकता है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, आप जानते हैं कि जो दिल्ली में कोई केदारनाथ धाम ट्रस्ट नाम से जो लोग एक मंदिर का निर्माण कर रहे थे और उन्होंने इसके लिए भूमि पूजन भी कर दिया था, लेकिन जैसा कि जो प्रदेश की जनता है, उन्होंने जो केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम पे धाम की स्थापना का जब विरोध किया तो प्रदेश सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने त्वरित उस पर निर्णय लिया और प्रदेश कैबिनेट में भी इस बात को लेकर के कानून बनाने के लिए लेकर के विचार किया गया और कि इस प्रकार से कोई जो हमारे प्रतिष्ठित धाम हैं उनके नामों का दुरुपयोग न करे, उनके किसी प्रकार से उनके नाम पर चंदा वसूली न करे, इसके लिए प्रदेश सरकार कानूनी प्रावधान तलाश रही है और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति भी इस दिशा में प्रयासरत है और प्रदेश सरकार की शक्ति का ही परिणाम है कि जो सख्त संदेश प्रदेश सरकार ने दिया था उसका ही परिणाम है कि जो लोग मंदिर का निर्माण करने का वहाँ पर प्रयास कर रहे थे उन्होंने उसको स्थगित कर लिया है और जो QR कोड के माध्यम से जो पैसा दान इत्यादि एकत्र कर रहे थे उनको भी उनके द्वारा रोक दिया गया है।